जलदाय विभाग द्वारा लगाए जा रहे ट्यूबवेलों का विरोध। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी, अल्पसंख्यक विभाग व सूर्य नगर निवासी ग्रामीणों ने सोमवार को सुबह जलदाय विभाग द्वारा ट्यूबवेल लगाने का विरोध किया। इस संदर्भ में जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देकर जलदाय विभाग द्वारा सूर्य नगर में लगाए जा रहे ट्यूबवेलों पर रोक लगाने की मांग। जिला अध्यक्ष जमशेद खान ने बताया कि सूर्य नगर क्षेत्र में जलदाय विभाग द्वारा गलत तरीके से 14 ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, जिस कार्य को रोका जाना आवश्यक है। क्षेत्र में बड़ी तादाद में कृषि कार्य होता है, जिससे सारा पानी ट्यूबवेल में चला जाएगा तो जमीन सूख जाएगी। इसे कृषि पर आधारित ग्रामीण बेरोजगार हो जाएंगे, क्षेत्र में पानी का संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए जलदाय विभाग द्वारा लगाए जा रहे ट्यूबवेलों का विरोध कर रहे हैं हम। राजस्थान अलवर से PLL न्यूज के लिए अजय सैनी की रिपोर्ट। हम आंदोलन करेंगे और वहाँ किसी भी कंडीशन पर हम बोरिंग नहीं लगने देंगे और पाइपलाइन नहीं दबने देंगे। चाहे प्रशासन कितनों को बंद करेगा, कितनों को मारेगा, हम अपने शांतिपूर्वक विरोध करेंगे और कुछ भी हो जाए हम बोरिंग नहीं लगने देंगे। क्या समस्या आएगी बोरिंग से? समस्या ये आएगी कि हमारे आसपास का पानी खत्म हो जाएगा। आपसे पहले विजय मंदिर में बोरिंग लगी थी 25 से 30, तो चांदोली तक पानी खत्म हो गया। 15 से 20 किलोमीटर तक पानी खत्म हो गया हमारे वहाँ सूर्य नगर में और अंबेडकर नगर में, तो 32 बोर लग चुके हैं। सूर्य नगर में 14 बोर लगने हैं, 2 बोर लग गए क्योंकि हमारे आसपास के गांव बर्बाद हो जाएंगे। अगर ये बोरिंग चालू हो गई तो हमारे आसपास के गांव में पानी नाम की चीज़ नहीं रहेगी। सूर्य नगर, दिवाखरी, अंबेडकर नगर, कैमाला, बेलाका, पाड़का और मतलब ये मान लो करीबन करीब 30 गाँव बर्बाद हो जाएंगे। इस ये विरोध है हमारा। क्या नाम है आपका? मेरा जमशेद खान है, जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का जिला अध्यक्ष।